तो दोस्तों, कर्नल साहब की अस्थि विसर्जन यात्रा के पार्ट टू में आपका स्वागत है। और आज है 12 तारीख, तो आज अस्थि विसर्जन की जाएगी, जो कि 2:30 बजे का प्रोग्राम है पुष्कर सरोवर में। तो उससे पहले जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, वो दिखाएंगे। और उसके बाद में आपको तुरंत कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे के प्रोग्राम दिखा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ब्लॉग को पूरा देखना, और आगे जो भी प्रोग्राम होंगे वो आपको कंटिन्यू दिखाएंगे। तो चलते हैं और अभी जनसभा में, और आपको सभा कि आप आए और शब्दों के माध्यम से अजमेर जिले में पधारी, इसे जनता जनार्दन का स्वागत करें, अभिनंदन करें। कर्नल साहब का एक सपना था कि मेरी बेटी अधिकारी बन करके आए, मेरी गाड़ी के दरवाजे को खोले और मुझे अपने ऑफिस में ले जा करके एक कप चाय पिलाए। साथ ही उनका वो सपना तो पूरा हो गया, लेकिन अब एक और सपना देखा गया है, राजनीति में जाने का सपना। तो साथियों, राजनीति में भी इतना आगे बढ़ना है समिति की ओर से और इस समाज की ओर से इन वीर सभी हितों का स्वागत करेंगे।
लाइन में खड़े हो जाए। हम पूरे गुजर के समाज की ओर से उनको माला पहना रहे हैं और उनको कर्नल साहब की प्रतिमा भेंट करके इस पूरे एनडीसी समाज की ओर से उनका सम्मान किया जा रहा है। शहीद परिवारजनों के आगे भीड़ नहीं लगाए, उनके फोटो आने दे और जोरदार तालियां बजती रहे, ये ऐतिहासिक पल तुम्हारा आने वाला नहीं है। और जिन्होंने स्वागत कर लिया वो के लिए भोजन की व्यवस्था करी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। आप बैठे भाई, ये कर्नल की फौज है, अनुशासन की फौज है। आप ये जाहिर ना करें, ये युवा साथी कोई भी प्रदर्शन ना करे, आप क्या बताना चाहते हो? पटरो जी, हाँ जी, आप बिल्कुल कर्नल की फौज है, अनुशासन की फौज है। कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे वक्ता लोग आए हैं, देश के पूरे राजस्थान अध्यक्ष ओम बिरला जी पधारने वाले हैं, जयंत चौधरी जी पहुंच चुके हैं, अतुल प्रधान जी पहुंच चुके हैं, हार्दिक पटेल जी हमारे बीच में आ रहे हैं, राकेश टीके जी हमारे बीच में आ रहे हैं, हिम्मत पटेल जी हमारे बीच में आ रहे हैं, वैभव गहलोत जी हमारे बीच में आ रहे हैं, वसुदेव देवनानी जी हमारे बीच में आ रहे हैं, विश्वेंद्र जी हमारे बीच में आ रहे हैं, धीरज गुर्जर हमारे बीच में आ रहे हैं, धीरज गुर्जर जी हमारे बीच में आ रहे हैं, भाई रामवीर जी बुदुरी हमारे बीच में आ गए हैं, अशोक चंद्रा जी हमारे बीच में आ गए हैं, उन तमाम साथियों का स्वागत करते हैं, और भाई धर्मेंद्र राठौड़ जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, आने वाले हैं, उन सबका स्वागत करेंगे। अब बन के आएंगी, और मैं एक बात और कह दूं, इस दशा को जो आज सोलह शेर का घी का पीपा भर के दिया, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत अभिनंदन अमर हुतात्मा का। और हमारे बीच भारतीय संसद के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री के सुपुत्र भाई वैभव गहलोत भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। इतना सुनहरा अवसर आपके ऊपर, इतनी सुंदर व्यवस्था जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है, और ये कर्नल साहब के सपनों को साकार करने वाला और परिवर्तन का दौर आप देख रहे हैं, उसके साक्षी बनने के लिए आप और हम सब लोग यहाँ पे आए। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान सरकार में खेल एवं युवा मां बाप के मंत्री अशोक जी चांदना, आप आए और अपनी बात को संक्षिप्त समय में पूर्ण करें। अशोक जी चांदना, ये जोश स्वर्गीय कर्नल साहब के सपनों को साकार करने वाला, वो परिवर्तन का दौर देखने वाला। दोस्तों, आप सभी देख रहे हो कर्नल बैसला साहब के प्रति लोगों में किस कदर दीवान की है। तेरी नई कमाई, तेरे साथी काम जलाई, बैसला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बैसला अमर रहे। कर्नल साहब हमारे, कर्नल साहब हमारे, तो हमारे जितने भी आयोजन कमेटी के सदस्य हैं, सब बात बंद गई, समिति के सदस्य हमारे पुष्कर स्वयंभू मंदिर कमेटी और बावन घाट में
और 52 घाटों पर हम सब मिलकर के विधि विधान के साथ सम्माननीय पिता तुल्य पिता बुजुर्गों के लिए मित्र हमारे लिए आशा की किरण और आने वाली नस्लों के लिए जो दीप जो है वो कर्नल साहब आज उनकी अस्थियों का विसर्जन कार्यक्रम है। हम लोग 17 तारीख से लेकर के अब तक पिछले महीने की 17 तारीख से लेकर के अब तक 23 जिलों से 75 एमबीसी बाहुल विधानसभाओं से होकर 5000 किलोमीटर चलकर 10 तारीख को पुष्कर राज पहुंचे और जो स्वागत हमें पूरे राजस्थान में मिला मैंने तो ऐसा कभी कहीं देखा ही नहीं। कर्नल साहब जब जीवित थे तो हमारे समाज को क्या क्या नहीं देखे गए और आप ये देखिए कि कर्नल साहब की ताकत उनकी अस्थियों में इस तरह विराजमान है कि 17 अगस्त से लेकर के आज तक जहां जहां कर्नल साहब की अस्थियां गई वहां जन समूह उड़ के आया और कर्नल साहब ने और उनकी अस्थियों की ताकत ने पूरे एमबीसी समाज को एक जाजम पे जोड़ करके ऐसे रख दिया जैसे कि एक माला में मोती पिरा करके सबने सामने रख दिया। और मैं जानता हूं कि ये मोतियों की माला जो कर्नल साहब के नाम से जपकर बनी है ये युगों युगों तक ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें एक भी कण टूटेगा नहीं। कुछ बातें आती हैं याद, दो शब्द याद आते हैं जिनकी किलकारी आजकल सुनाई नहीं देती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज फिर से वो दो शब्द आपको सुनाई दें। और वो कुछ ऐसे थे कि मेरी बहादुर कौम मेरी दिलदार कौम। ये शब्द जब हमारे कानों में गूंजता है, हम YouTube पे जब वीडियोस देखते हैं तो हमारा रोम रोम हिल जाता है और एक एक बाल खड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि कर्नल साहब आज हमारे सामने साक्षात बैठे हो और हमें कह रहे हो एकजुट हो जाओ और दुनिया को दिखा दो तुम कौन हो। पीछे इनको लेके हमें वहां तक जाना है, हमें पैदल जाना होगा। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि रास्ता बना के रखें, सुरेश जी आपको बताएंगे, हम साथ में चलेंगे, टीमें बन के जाएंगे तभी पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यवस्थाएं दी गई है वो इस प्रकार है, गुर्जर घाट पर सम्मानीय बैसला परिवार और हमारे जो अतिथि आए हुए हैं वो लोग यह गुर्जर घाट पर अस्थि कलश का विसर्जन करेंगे। कलश अस्थि विसर्जन यात्रा के लिए जा रहे हैं सभी, ये देखिए सभी युवा भाई साथ में हैं और सभी अस्थि विसर्जन यात्रा के लिए गुर्जर घाट के लिए निकल चुके हैं पुष्कर जी के। तो दोस्तों कार्यक्रम खत्म हो चुका है, वीर गुजर घाट जहाँ से कर्नल बैसला की अस्थि विसर्जन की जाएगी कर्नल साहब के परिवार के द्वारा। ये व्यवस्था SDRF की टीम पूरे पोजीशन में है क्योंकि यहाँ कर्नल साहब की अस्थि विसर्जन की जाएंगी जो कि बैसला परिवार के द्वारा, विजय बैसला जी के, सुनीता जी के द्वारा, कर्नल जी के द्वारा यहाँ से उनकी अस्थियों विसर्जन की जाएगी। यह है वीर गुजर घाट, तो यहाँ से आप देखिए सभी शरीर पर छाता लगा रहे हैं। पद्मा कल्य तिलकम कुरिया ओम सते न इंद्र मृत सते भगवते वासुदेवाय ज्योतिर्सोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः।
ईश्वरो विष्णवे नमः। सभी हाथ जोड़कर पुष्कर राज महाराज का ध्यान करेंगे। ओम स्वच्छम पुष्कर तीर्थराज निकटे यज्ञ स्थलम पर्वतम आसाम कार्तिक शुक्ल पंच दिवसम श्राणम Yeah.